गया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अपहरण के कुछ ही घंटे के बाद अपहृत यूट्यूबर को सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में एसएसपी आशीष भारतीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अपहृत युवक को बिहार शरीफ नवादा रोड के खराटी मोड़ के पास से गाड़ी से बिना फिरौती के रकम दिए सकुशल बरामद किया गया है। इस मामले में 5 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपहरणकर्ताओं ने युवक से परिजनों 40 लाख फिरौती की मांग की थी। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि युवक को झूठ बोलकर एल्बम बनाने के नाम से भूसंडा मोड़ पर बुलाया गया था और गाड़ी में बैठाकर उसके साथ मारपीट की गई थी और इंजेक्शन देकर इसे बेहोश कर दिया गया था। तथा तुरंत इसमें एसपी सिटी एसडीपी बोध गया को निर्देशित किया गया तथा एसएचओ बोध गया को कि तुरंत इस मामले में जो वादी है उनसे संपर्क करके पूरा डिटेल लेकर के फिर तुरंत इसमें अग्रतर कार्रवाई की जाए। पुलिस के द्वारा सारी सूचना ली गई उनसे और अनुसंधान कार्ड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा इसमें सहयोग के लिए जो एसटीएफ की टीम है उसको भी संपर्क किया गया। इस मामले में पुलिस के द्वारा तकनीकी एवं पारंपरिक रूप से कार्रवाई करते हुए इस मामले में बिहार शरीफ नवादा रोड में खराटी मोड़ के पास से एक क्विड गाड़ी से जो अपहृत बालक है उसको सकुशल बिना फिरौती की रकम दिए हुए उसको बरामद किया गया तथा उस गाड़ी में बैठे हुए इस घटना को कारित करने वाले 3 अपराधकर्मी जिनके नाम हैं विकास कुमार, सुदीप कुमार तथा संजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जब वहां पर गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी से 1 देसी कट्टा और घटना कारित करने में उपयोग किए गए सुई एवं दवाई को बरामद किया गया। जब इनसे पूछताछ किया गया तो इनके निशानदेही पर जो एक अन्य मोटरसाइकिल पर 2 अन्य इनके जो सहयोगी सवार थे उनके बारे में इनके द्वारा बताया गया और उनको भी इनके निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया जिनके नाम है चंदन कुमार तथा विकास कुमार। इनको एक अपाचे मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जो अभी तक अनुसंधान के क्रम में बातें प्रकाश में आई है उसमें यह है कि जो अपहृत बालक है जिसका अपहरण किया गया था वो एक यूट्यूब पे म्यूजिक चैनल चलाता है जिसका नाम है माँ राधे म्यूजिक और इसी क्रम में इसका जो संपर्क जो 5 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 4 अपराधकर्मी 4 जो व्यक्ति थे उनसे पहले से था और इनको लगभग 2-2.5 साल से उससे जानकारी थी और उसमें से 1-2 लोगों का भी अपना स्टूडियो जो म्यूजिक का चलता है और उसमें से एक व्यक्ति इनके घर भी आया हुआ था और घर के सभी चीज़ों के बारे में उसको जानकारी थी। इसके द्वारा जो अपना म्यूजिक चलाने के लिए अपना मोबाइल नंबर भी यूट्यूब पे डाला गया था और उसी में एक व्यक्ति के द्वारा इस माह के स्टार्टिंग में संपर्क किया गया था 2 तारीख को। उसके द्वारा यह फ़ोन करके बोला गया कि उनको एक ऑडियो वीडियो का एल्बम बनाना है और इसके लिए इनसे मिलने के लिए बुलाया गया और भूसंडा मोड़ के पास मिलने के लिए बुलाया गया था। जब मिलने के लिए गए तो वहां पर इन लोगों के द्वारा फिर उसके बाद बातचीत के बाद गाड़ी में बिठा लिया गया और मारपीट की गई और उसके बाद इंजेक्शन दे करके बेहोश कर दिया गया था। उसके बाद इन लोगों के द्वारा जो सुदीप कुमार है जिसका भी स्टूडियो है उसके स्टूडियो में ले जा करके इसको रखा गया था और वहाँ से रंगदारी की मांग अन्य जो नवादा में विभिन्न स्थानों से किया जा रहा था उनके द्वारा जो अपहृत है उसके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार भी किया गया था परंतु पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए इसमें एसटीएफ के सहयोग से सभी जो 5 अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और 1 मोटरसाइकिल, 1 क्विड गाड़ी, 1 देसी कट्टा, 6 मोबाइल और इंजेक्शन और दवाई बरामद किया गया है। इस मामले में जो भी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल हैं उन सभी को पुरस्कृत किया जा रहा है। अपहृत बालक के द्वारा तथा उनके पिताजी के द्वारा गया पुलिस के द्वारा जो त्वरित कार्रवाई की गई है इसके लिए काफ़ी धन्यवाद तथा आभार व्यक्त किया। ये दोस्त थे? जी सर, दोस्त थे। कितना साल पुराना है? 2 से 2.5 साल पुराना।
इंजेक्शन कहाँ पे दिया था? मारपीट भी की आपके साथ? जी सर। आपसे फ़ोन कराया था या खुद फ़ोन कर रहा था? आप फिरौती के लिए जी जो पैसे मांग रहे थे, आपसे किया फ़ोन किया था या करवाया था या उसने किया था खुद? उसने ही किया था सर। चलो